वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल औलाद की एपिसोड 8 में आप लोग देखेंगे बिलाल की खुदकुशी की कोशिश के बाद उसके बाप को आखिरकार उसकी जिद मानना पड़ती है, क्योंकि वो मुस्कान से बहुत मोहब्बत करता है। इसी वजह से वो किसी भी सूरत मुस्कान को छोड़ नहीं सकता, वरना वो दोबारा से यही हरकत कर सकता है, यानी कि खुदकुशी की। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। खुर्रम तो पहले ही अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। अब पीछे अदनान बचता है, जो कि अपने माँ बाप के साथ सिंसियर था, मगर उसकी बीवी ने उसे भेला फुसला कर इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो किसी भी तरह अपने बाप को मनाए और ये बात उनसे कहे कि वो कभी भी बिलाल के घर नाम मत करे और ना ही उसकी बीवी मुस्कान के नाम, वरना मुस्कान सारे घर वालों को घर से निकाल कर अकेली इस घर में मलका बनकर राज करेगी। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। मगर बिलाल फसीद है और वो चाहता है कि उसका बाप अपना घर मुस्कान के नाम कर दे, ताकि मुस्कान की माँ शादी के लिए राजी हो जाए और बिलाल और मुस्कान दोनों की शादी हो जाए। इसी वजह से बिलाल के बाप को उसकी जिद पूरी करना पड़ती है। मुस्कान के नाम जैसे ही घर होता है, मुस्कान शादी करके जब इस घर में आ जाती है, तो इस घर में और ड्रामे में ट्विस्ट तब आता है जब अदनान और उसकी बीवी अपने माँ और बाप दोनों के साथ बुरा सलूक शुरू कर देती है। सो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है? क्या बिलाल के बाप ने ठीक किया उसके साथ? क्या उसे यही करना चाहिए था? क्या अदनान का इस घर पे कोई हक नहीं था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। सुपर इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट।